हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं करण और आप देख रहे हैं ऑल थिंग्स टेक हिंदी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फेसबुक के फेक अकाउंट्स के बारे में, जिसमें ये लोग फेक आईडी बनाकर लोगों को फंसाते हैं और उनके पर्सनल डाटा और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को चुरा लेते हैं। उसके बाद ये किसी न किसी कंपनी को कुछ पैसों की खातिर आपका डाटा बेच देते हैं। ये कुछ कंपनियों के फेक तरीके से प्रमोशंस करने के तरीके होते हैं। उसके बाद आपके मोबाइल्स पर अनवांटेड कॉल आती हैं, ईमेल्स आते हैं और हो सकता है कि आपका मोबाइल नंबर ट्रेस हो रहा हो। इस तरह से बेवकूफ़ बनाकर मोबाइल नंबर चुराना, पर्सनल डाटा चुराना, ये सब सोशल हैकिंग में आता है। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आप आसानी से किसी भी फेक आईडी का पता लगा सकते हो। तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ फेसबुक आईडी ओपन की हुई है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो मैंने आईडी को एक दूसरे से कंपेयर करूंगा और आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ये आईडी जो है वो एकदम फेक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ आईडी ऐसी ली हुई है जिनका डिस्प्ले नेम एंड यूजर नेम मैच कर रहा है और कुछ आईडी ऐसी ली हुई है जिनका डिस्प्ले नेम और यूजर नेम मैच नहीं कर रहा है। जो आईडिया जिनका डिस्प्ले नेम और यूजर नेम बिल्कुल अलग होता है, यार रैंडम नंबर होते हैं मैक्सिमम, वो आईडी जो होती है वो फेक होती है। तो जैसे हम इस आईडी की बात करें तो इसमें जो ये डिस्प्ले नेम है वही यूजर नेम दिया हुआ गया है। तो इस यूजर नेम को .com के बाद कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम सर्च करके देखते हैं अपने फेसबुक अकाउंट पे। तो ये मेरा फेसबुक अकाउंट है तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको सर्च करके देखता हूँ। तो आप जैसे आप सर्च करोगे तो आपको ये सबसे पहले जो रियल आईडी है वो ओपन हो जाएगी, उसके बाद में जो मिलती जुलती आईडियाँ हैं वो ओपन होंगी। इनका जो डिस्प्ले नेम है वो सुमन देवी, लेकिन यहाँ पे इनका प्रोफाइल नेम कुछ नहीं दिया गया है। तो इस प्रोफाइल को .com के बाद कॉपी करते हैं और इसको सर्च कर लेते हैं इसी जगह पे जहाँ पे हमने पहले सर्च किया था। तो जैसे हम इसको सर्च करेंगे तो इसमें सबसे पहले आएगा नो रिजल्ट फाउंड फॉर दिस रैंडम नंबर। तो लेकिन जो फेक अकाउंट होते हैं उनमें ये सिर्फ रैंडम नंबर आपको मिलेंगे, यहाँ पे यूजर नेम आपको नहीं मिलेगा, ना ही कोई इसको अकाउंट को सर्च कर सकता है। और ये लोग क्या करते हैं कि 10 दिन में या 15 या 20 दिन में ये लोग अपना जो आईडी का नाम है वो चेंज करते ही रहते हैं करते ही रहते हैं। तो इनके अबाउट सेक्शन में चल के देखते हैं, ठीक है, इनके भी अबाउट सेक्शन में चलते हैं। आप जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे जो इनका अबाउट सेक्शन है वो एकदम खाली पड़ा हुआ है, ना तो इन्होंने वर्क के बारे में कुछ लिखा हुआ है, ना एजुकेशन के बारे में, ना रिलेशनशिप के बारे में, ना कोई कॉन्टेक्ट नंबर, ना कोई बेसिक इंफॉर्मेशन। और अगर इस आईडी की हम बात करें तो इस आईडी में भी वही सिमिलरिटी है जो इस आईडी में थी। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा आपको, इस आईडी में देखें तो इस आईडी में भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो किसी भी आईडी में आप इस तरह की फेक आईडी होंगी उसमें बहुत कम चांस होंगे कि आपको कुछ मिल जाए। यहाँ पे एक एड्रेस जरूर दिया हुआ है, बाकी तो ऑप्शंस यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं। तीसरी अगर हिंट की हम बात करें तो इनका इनके फॉलोवर्स देखते हैं, इनके फॉलोवर्स यहाँ पे हम देखते हैं, फॉलोवर्स ये रहे हैं। तो इनके फॉलोवर्स की संख्या आपको भारी मात्रा में मिलेगी। इनके फॉलोवर्स हैं 11,88,324। और इनकी अगर बात करें तो इनके फॉलोवर्स यहाँ देख सकते हैं आप। तो आप दोनों आईडियों में यहाँ पे देख सकते हैं कि लड़कियों की कम, एक लड़की है तो ऑब्वियसली लड़की उसकी फ्रेंड होनी चाहिए, लेकिन यहाँ आप देख सकते हो कि उनकी जो फ्रेंड लिस्ट है जहाँ तक मैं स्क्रॉल करूंगा वहां तक आपको सिर्फ लड़के ही लड़के दिखाई देंगे, लड़की का एक का भी उसमें नाम नहीं मिलेगा आपको। इस आईडी की भी अगर हम बात करें तो इस आईडी में भी हम देख सकते हैं कोई भी लड़की इसमें ऐड नहीं है, ये भी सेम सिचुएशन है। आप किसी भी आईडी की देख लीजिए, किसी भी आईडी की सिचुएशन देख लीजिए, आपको यही हाल मिलेंगे इनकी। अगर हम चौथी ट्रिक की बात करें तो इनके फोटोज में चलते हैं। और दोस्तों, अगर हम इनकी फोटोज की बात करें तो जैसे इसका ये प्रोफाइल फोटो और ये कवर फोटो एक दूसरे से मैच नहीं खा रहे हैं, ऐसे ही अगर हम इस आईडी की बात करें तो इसमें प्रोफाइल फोटो दिया हुआ है, बस कवर फोटो दिया ही नहीं गया है। कवर फोटो बहुत कम
चांस में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर इनके फोटोज में चल के, इनके फोटोज के अंदर चल के देखें तो कुछ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फोटो वो नहीं है कि आपको मतलब किसी ने टाइमलाइन पे ऐड किए हों, टैग किए हों, ये मोबाइल अपलोड फोटो है, यानी कि इस आईडी के मोबाइल से ये फोटो अपलोड हुए हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें, जैसे इस आईडी में भी देखें तो इसमें भी ये मोबाइल अपलोड फोटो है, किसी भी फेस में या प्रोफाइल फोटो के फेस से मिला के देखिए तो आपको कोई भी फेस यहाँ पे मिलता जुलता नहीं दिखेगा। और एक बात और मैं यहाँ बता दूं कि कुछ फोटो इसमें सिमिलर भी मिल जाते हैं, यानी दो अलग अलग आईडियो में एक सेम फोटो भी मिल जाएगा आपको। जैसे कि ये फोटो देखिए आप, और इस आईडी में चलते हैं तो इस आईडी में भी ये फोटो है। तो ऐसी कई आईडिया होंगी जिसमें ये अलग अलग आईडी होंगी लेकिन फोटो आपको सेम मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जो लोग फेसबुक आईडी बनाते हैं वो लोग क्या करते हैं कि रैंडम फेसबुक अकाउंट पे जाते हैं, वहां से जो गर्ल्स के फोटोज को वो चुरा लेते हैं या फिर किसी फोटोग्राफर से वो फोटो खरीद लेते हैं। तो ये लोग बल्क में ऐसे फोटोज को रखते हैं और उनसे ये फेसबुक आईडी बना लेते हैं, और उन्हीं फोटोज में तो रोजाना कुछ ना कुछ फोटोज आईडीज पे अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों, अब पांचवी टिप्स ये है कि आप इनके टाइमलाइन को चेक कीजिए। इनके टाइमलाइन में आपको एक फोटो मिलेगा, फोटो के पास में आपको मैसेज मिलेगा और मैसेज के बिल्कुल नीचे आपको एक लिंक मिलेगी, और वो लिंक फेक लिंक होती है, यानी कि आप जैसे ही उन पर क्लिक करोगे तो वो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोलेगी। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि आप देख सकते हैं हर मैसेज में यहाँ पे कुछ अजीब मैसेज लिखे हुए हैं। ये देखिए, मैं आपको बता रहा था कि ये लोग नंबर मांगते हैं, नंबरों के साथ क्या करते हैं ये मैंने आपको पहले बता दिया है। तो इस आईडी में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ है, ठीक है, और मैसेज इसके नीचे दी हुई है एक लिंक। और नीचे अगर चले हम तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक मैसेज मिलेगा, मैसेज के नीचे यहाँ पे एक लिंक मिलेगी, और वो लिंक पे अगर जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एपीके फाइल, तो ये एप्लीकेशन फाइल है वो भी एंड्रॉयड की। तो ये अनवांटेड फाइल होती है जो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाती है। तो आप किसी भी आईडी पे की टाइमलाइन में चले जाइए और वहाँ पे आपको यही सब मिलेगा, यही कॉमन चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो दोस्तों, मैंने यहाँ आपको पांच टिप्स बताई हैं जिससे आप किसी भी फेक आईडी का पता लगा सकते हो, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस तरह के मैसेज आपको कहीं दिख रहे हैं तो आप ना तो उसके लिंक पे क्लिक करोगे और ना ही उनके कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना मोबाइल नंबर या अपनी पर्सनल डिटेल दोगे। और इस तरह की आईडीज को रिपोर्ट भी कर सकते हैं। रिपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो यहाँ पे तीन डॉट दिख रहे हैं इस जगह पे क्लिक करना है और यहाँ पे रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट दिस अकाउंट पे क्लिक करना है, उसके बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करोगे तो उसके बाद दिस इज ये फेक अकाउंट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको फेसबुक की तरफ से एक फीडबैक मैसेज आएगा, वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं फेसबुक की तरफ से मुझे दो मैसेज आए हैं, और ये दोनों मैसेज रिपोर्ट्स जो मैंने की थी उनके बारे में आए। तो इसको अगर अपन ओपन करके देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है वी रिसीव्ड योर रिपोर्ट ऑफ प्रीति कुमारी की तरह। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप एंजल प्रिया प्रिंसेस नेहा जैसी आईडीज को अनफॉलो कर दोगे, और मेरे चैनल को आपने यहाँ रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।